हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट्स की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो इस एक्सरसाइज से पहले आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, वो ज़रूरी चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट नोट देखिए, आपके पास जो फर्स्ट नोट है, फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स अलॉन्ग द रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, तो उसी जल्दी से आप बिना किसी कैलकुलेशन से आप फटाफट डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी रो या कॉलम से हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे। जैसे R1 में आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, इस एग्जांपल में जो कि NCERT का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसका फर्स्ट पार्ट है 3 -1 -2, और इसको R1 से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं करने को। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास R2 में यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं, इस पोजीशन पे भी 0 है, इस पोजीशन पे भी 0 है। तो जबकि ये जो नोट आपको क्या कह रहा है, नोट यही कह रहा है कि जिस रो या कॉलम में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ यानी होते हैं, उसी से ही आपको अगर एक्सपेंड करें इस डिटर्मिनेंट को, तो बहुत जल्दी से बिना किसी कैलकुलेशन के जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने का काम है ये। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इस क्वेश्चन को, इस मैट जो डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इसमें आपको R2 से आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 2 जीरोज़ थे ऑलरेडी, तो आपके पास ओनली 1 टर्म ही बचेगी, तो इसीलिए कैलकुलेशन में आपको हेल्प होगा। तो इसी से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं अभी। सपोज ये ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें, तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप अगर R2 को देखिए, तो ये R2 का आपको याद हो तो हमने इसको किया था कि ये जो R ये वाला जो एलिमेंट होता है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या होगा, A21 होगा, और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A22 होगा, और ये अपने पास एलिमेंट A233 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे -1 रेज टू पावर, तो यहाँ पे -1 रेज टू पावर i+j, तो i+j क्या है, 2+3, यानी यहाँ पे अपने पास ऑड होने वाला है, तो 2+1 हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0, एलिमेंट 0 भी लिखना है, और साथ में अपने पास डिटर्मिनेंट, देखिए ये रो और ये कॉलम अपने पास डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 -2 -5 एंड 0। ठीक है, ये वाली एंट्रीज बचने वाली है, क्योंकि इस जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आएगा उसकी पूरी स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम इस वाले की बात करते हैं जो कि A22 की पोजीशन पे है। तो A22 की पोजीशन पे फिर देखिए, -1 रेज टू पावर 2+2 यानी 4 हो गया। ठीक है, और साथ में अपने पास ये वाला एलिमेंट भी आने वाला है यानी 0। फिर अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब इस एलिमेंट के साथ में ये वाला कॉलम और ये वाली रो चली गई, तो बचे क्या, 3 -2 3 0 बचने वाला है, ये 3 2 3 -2 एंड 3 0, क्योंकि ये वाली रो और ये वाला कॉलम पूरा स्ट्राइक आउट हो जाएगा। और एक टर्म अपने पास लास्ट कौन सी बचेगी, -1 रेज टू पावर ये वाला 2+3 यानी 5। ठीक है, और साथ में अपने पास -1 आ जाएगा, ये तो एलिमेंट तो आना ही है क्योंकि आप R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2 तो 0 हो गए ऑलरेडी, क्योंकि बाहर ही 0 हो गए, तो ये दोनों टर्म तो 0 होने वाली है। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, अंदर कुछ भी आएगा लेकिन बाहर अगर 0 है तो ऑलरेडी पूरा 0 होने वाला है। तो यही देखिए, यही हम इस नोट से पढ़ने वाले हैं। इस नोट में क्या लिखा था, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है तो इजियर कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। देखो आपके पास तो ये दोनों 0 होने वाली है, तो सिर्फ आपके पास एक टर्म को ही कैलकुलेट करना है, और इस टर्म के लिए आपके पास क्या आएगा, -1 को आप स्ट्राइक आउट करोगे, इसको इस कॉलम और इस रो को करिए, देखो C3 और R2 को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, तो बचेगा क्या, 3 -1 3 -5। ठीक है, तो अगर हम इसको 0+0 डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 0 बाहर है तो हम पूरे मल्टीप्लाई जो भी कैलकुलेट करके आएगा तो 0 ही होने वाला है। तो लास्टली देखिए, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही रहेगा, और एक -1 ऑलरेडी है तो -1 होने वाला है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता हो तो हम क्या करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो -15 होने वाला है ये,
अंदर -5 3 -15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में माइनस करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाने वाला है 3, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 3। तो देखिए ये 0 0 और ये -15 और +3 कितना हो गया, -12 हो गया ये, ठीक है, ये -12। तो यहाँ पे अपने पास ए डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया, -12। देखिए ये आपको हेल्प हुआ यहाँ पे, क्या हेल्प हुआ, क्योंकि 2 0 ऑलरेडी थी तो इसीलिए हमने एक्सपेंड करने में कैलकुलेशन बच गई, तो इसलिए हमने पास सिर्फ तीसरा ही अपने पास जो पार्ट था उसको ही हमने कैलकुलेट किया और इजीली आंसर ले आए। तो ये हम जरूर एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ऐसी कोई रो या कॉलम तो नहीं है जिसमें अपने पास 2 0s तो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है कि हम उसी रो, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से ही एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो हालांकि आप बहुत समझदार हो, आप समझ चुके होंगे अभी ये वाली बात, ठीक है। हम दूसरे नोट्स पे आते हैं, तो ये वाला नोट समझ गए, ठीक है। देखिए सेकंड नोट पे हम बात करते हैं, तो सेकंड नोट अपने पास क्या है, सेकंड नोट को पढ़िए। बोलता है वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, वी कैन मल्टीप्लाइंग बाई +1 और -1 अकॉर्डिंग एज आई प्लस जे इज इवन और ऑड। देखिए तो सिंपली जो भी हम अभी अभी कैलकुलेट कर रहे थे, हम इसमें भी देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जो हम -1 रेज टू पावर आई प्लस जे करते हैं यहाँ पे, तो आई प्लस जे को ही अगर हम इवन ऑड देख लें तो -1 की पावर इवन पावर होगी तो प्लस हो जाएगा, ऑड पावर होगी तो -1 हो जाएगा, तो ये तो कैलकुलेट करके आना ही है। तो इंस्टेड अगर आप बोलता है कि अगर आप -1 की पावर आई प्लस जे ना करके आप सीधा क्या लिख लीजिए, +1 और -1, क्योंकि जब आप ऑड पावर करेंगे तो -1 आने वाला होगा और प्लस अगर इवन पावर होगी तो प्लस आएगा, तो इसीलिए आप सिर्फ पोजीशन देख लीजिए कि आई प्लस जे इवन है या ऑड है, तो सीधा ही अगर इवन होगा तो उस केस में +1 बाहर लगा देंगे और ऑड होगा तो -1 लगा देंगे। तो एक हम एग्जाम्पल इसका भी कर लेते थे, आपको दिखा देंगे कि +1 और -1 डायरेक्टली लिखेंगे, अभी हम -1 की पावर नहीं लिखेंगे। तो देखिए अब इसको हम एनसीईआरटी का ही, हम फिफ्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह सा है, इस तरह का है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0, ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज अगर हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे तो 1 0 है, तो इसलिए जहाँ पे 1 या 2 0 हो वह तो आप करना ही करना है, ये तो आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत आसानी होने वाली होती है, ठीक है। तो देखिए आप इसको R1 से अगर करेंगे तो R1 से हम देखिए ये वाली पोजीशन सीधा 1 1 A 1 1 होता है, तो 1 + 1 क्या होता है, इवन, ठीक है, तो वो इवन पावर है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस पावर लिखेंगे तो इधर प्लस लिखना है और सीधा एलिमेंट 0 लिखना है, तो +1 × 0 है ना, और साथ में क्या आने वाला है, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 0 -3 3 0 ये आने वाला है, ठीक है। फिर इसके अलावा जस्ट ए मिनट, आप देखिए यहाँ पे ये हमने कर लिया, फर्स्ट टर्म हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1 देखेंगे, तो 1 के केसेस में यहाँ पे आई और जे क्या होगा, A 1 2 होता है, तो 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, और 3 कैसा होता है बेटा, ऑड होता है, तो ऑड के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि अगले वाले के लिए क्या होता है, A 1 3 होगा, तो ये 1 3 1 + 3 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये इवन होने वाला है, तो पहले इवन ऑड इवन, तो इसीलिए हम देखेंगे, तो पहले प्लस का साइन लगाया फिर माइनस का लगाया, हम -1 की पावर नहीं लिखेंगे, अब सीधा देखेंगे कि इवन है या ऑड है, तो इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, तो अगर हमें हमारे पास इवन सॉरी ऑड आया है तो -1 लगा दिया और 1 का 1 एज इट इज, और अब देखिए ये स्ट्राइक आउट, ये स्ट्राइक आउट, तो बचेगा क्या, -1 -3 -2 एंड 0, ठीक है। तो सिमिलरली बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा 2, क्योंकि ऑड नहीं है, 3 + 1 इवन हो जाएगा तो 2 आएगा, और 2 के साथ ये स्ट्राइक आउट, ये स्ट्राइक आउट, तो बचेगा क्या, -1 0,
-2, 3, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही सही बात है। ये देखिए, तो ये आप जीरो जब बाहर रहता है तो इस वाले को तो करना कुछ भी नहीं है, तो सीधा जीरो लिख दीजिए, ये वाली टर्म पूरी जीरो होने वाली है, ठीक है। अब -1 देखिए, तो -1 तो एज इट इज आप लिख लिया आपने, आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 × समथिंग 0 आएगा, और माइनस का बीच का साइन माइनस रहेगा क्योंकि इन दोनों का प्लस होने वाला है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि एक बीच का साइन वो एज इट इज़ है, ठीक है। फिर +2 सिंपली आप देखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 = -3 हो जाएगा ये, और ये जीरो होने वाला है, तो प्लस लिख दिए, चाहे जीरो कुछ भी लिखें तो ये जीरो ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास अब कैलकुलेशन में ये जीरो रहा, यहाँ पे आपके पास प्लस पास हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो गया क्योंकि -1 और अंदर -6 है, तो ये जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो -6 × -1 = 6 हो गया, और यहाँ पे भी आप देखिए तो -6 होने वाला है क्योंकि -3 अंदर रह गया, ये जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो -3 × 6 ये 6 हो गया, तो -6 + 6 हो गया 0, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया चल के 0। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इवन और ऑड देखना है आपको, ठीक है। जो अकॉर्डिंगली i+j अगर इवन है तो हम प्लस लगा देंगे बाहर, अगर ई ऑड है तो ऑड लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब -1 की पावर करके आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही हमारा नोट था जो हमें ये चीज़ बता रहा था। तो हमने ये एग्जाम्पल्स में अच्छी तरह से समझ लिया कि कब तो हम इस नोट का यूज़ कर सकते हैं और कब इसका, ठीक है। अब एक और नोट लास्ट है जो कि आपके पास ये रहा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स है वो समटाइम्स के टाइम्स किसी स्केलर टाइम्स बी मैट्रिक्स के है, और वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, दो स्क्वायर मैट्रिसेस आपके पास है जिसका ऑर्डर एन हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 ऑर्डर हो सकता है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपका ए डिटर्मिनेंट जो होगा वो उस स्केलर के उतनी पावर जितना कि ऑर्डर है, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, ऑर्डर अगर 3 है तो यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी उसी स्केलर की, उतना टाइम्स ये बी डिटर्मिनेंट के हो जाएगा। यानी मैट्रिक्स आपके पास के टाइम्स है किसी दूसरी मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के टाइम्स आपके पास है, तो आपके पास पहली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आने वाला है वो दूसरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से k^n होने वाला है। देखिए कितना शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसका बेस्ट यूज हम कभी भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इस तरह की छोटी छोटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बार पूछे जाते हैं CBSE के क्वेश्चन पेपर में भी। तो इसमें आपके पास हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 हैं NCERT के एक्सरसाइज नंबर 4.1 के, उसमें कुछ कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो हम देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चंस इसमें, या उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स का डबल है, क्योंकि देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके सारे एलिमेंट्स को, तो ये होने वाले हैं, तो इसलिए इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स का डबल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट्स वो कितना टाइम्स आता है इसका, तो दोनों के अलग अलग से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो आप, ऐसे निकालते हो सीधा सीधा, ये निकाल दिया, तो इसको करते हैं आप 2 × 0 = 0 और -4 × 8, ठीक है, ये तो 0 हो गया, दिस मल्टीप्लाई सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो गया -8। तो ए डिटर्मिनेंट तो आपके पास -8 आया। इसी तरह से अगर आप बी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बी डिटर्मिनेंट 1, 1, 2, 0 ये आने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2, तो 0 - 2 मतलब -2 आने वाला है बी डिटर्मिनेंट। तो आप देखिए बी डिटर्मिनेंट तो आपके पास कितना आया, -2 आया, ए डिटर्मिनेंट कितना आया, -8 आया। लेकिन अब देखिए जो अभी वाली जो आपके पास प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी में क्या कहा था, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k^n। तो अब देखिए k क्या है अपने पास यहाँ पे, 2, कितना टाइम्स थी ये मैट्रिक्स, 2, तो k यहाँ पे 2 है, k की वैल्यू 2 है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, और ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, वो भी 2 है, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पे अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट वो कितना टाइम्स बी डिटरमिनेंट के आएगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, आपको बार बार देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो के टाइम्स बी डिटरमिनेंट होना चाहिए, ठीक है? तो आप देखिए, तो ए डिटरमिनेंट कितना आया अपने पास, -8 आया, आया या नहीं, यहाँ देखिए आपने निकाला हुआ है, इज इक्वल टू के क्या है अपना, 2। तो 2^n कितना है, ऑर्डर भी अपना 2 है, 2 है ना ऑर्डर, 2x2 मैट्रिक्स थी तो इसलिए ऑर्डर 2 है, तो इसका पावर 2 इंटू बी डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट कितना आया है, -2 आया है। तो देखिए -8 इज इक्वल टू 2^2 = 4 और -2, क्या -8 = -8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा ही होती है, ये प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, कि अगर कोई मैट्रिक्स कुछ टाइम्स दूसरी मैट्रिक्स के है, दूसरी मैट्रिक्स के कुछ टाइम्स, यानी के टाइम्स स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, तो उस पहली जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट k^n टाइम्स बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है? जिसमें k अपने पास कोई भी स्केलर है जो यहाँ पे होगा, और n जो है वो ऑर्डर ऑफ द ए एंड बी, यानी ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर को आपने पावर देना है k का, और ये हमेशा वैलिड रहेगा। आपको देखिए, आप झटके में भी इसको निकाल सकते थे बिना प्रॉपर्टी लगाए हुए, ठीक है? आप बिना इसको सॉरी सॉल्व किए हुए भी आप निकाल सकते थे, ठीक है? सीधा आप देख सकते थे कि यहाँ पे 2 टाइम्स है, के 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर भी 2 है, तो 2^2 यानी 4 टाइम्स बी डिटर्मिनेंट का हो जाएगा। सीधा ए डिटर्मिनेंट क्या लिखते आप, सीधा ये लिखते, ठीक है, कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी डिटर्मिनेंट होने वाला है, और आया भी, ए डिटर्मिनेंट -8 है, बी डिटर्मिनेंट -2 है, तो -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आप -8 आने वाला है। तो ये डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है? तो बेटा ये आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिए, जो रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।